सुप्रभात। वो काव एक साथ एकत्र हो रहे हैं। आज अक्टूबर 7, 2020 है। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले कि हम पत्र में जाएं, पिछले रविवार को सिद्ध मनुष्य का डील डॉल सुनना कितना अद्भुत था। ये संदेश हमने अक्टूबर 4, 2020 को सुना। उसका टेप नंबर था 62-10-14M, सिद्ध मनुष्य का डील डॉल। यदि आपके पास टेबल ऐप आपके फोन पर या आपके लैपटॉप पर या किसी साधन पर नहीं है, आप उसे इस लिंक से जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है डाउनलोड कर सकते हैं। और आप टेबल ऐप या तो अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पर या iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एप्पल डिवाइस जैसे कि आईफोन या आईपैड है। अब ये बहुत दिलचस्प बात थी कि भाई ब्रैनम ने समझ के विषय में बोला, जो कि आप जानते हैं, जबकि आप अपने विश्वास पर सद्गुण और फिर उस समझ को जोड़ते हैं, तो ये समझ कोई सांसारिक ज्ञान नहीं होता है, परंतु गलत से सही का निर्णय लेने की समझ होती है। उन्होंने बोला, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए इस बात का निर्णय लीजिए कि यह ठीक है कि गलत, इस बात का निर्णय लीजिए कि यह ठीक है या गलत, कि क्या मुझे किसी क्रीड या मत की सेवा करनी है या परमेश्वर की सेवा करनी है, इस बात का निर्णय लीजिए कि यह ठीक है या गलत, कि क्या मुझे नया जन्म प्राप्त करना है या चर्च का सदस्य बनना है। तो फिर आप शुरुआत करते हैं, इस बात को ठीक तरीके से परखें। जब प्रचारक कहता है कि आश्चर्यकर्मों के दिन बीत गए, बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुक एक सा है। अब आप किस बात का विश्वास करने जा रहे हैं? जब आप कहते हैं मैं तो परमेश्वर को लूंगा, अब आप केवल ये कहने के लिए ऐसा मत कहिए, अच्छा मैं उस बात को लूंगा, बस केवल अपने हृदय से कहिए। परंतु आपके अंदर एक ऐसी बात होती है, आपका विश्वास होता है, जो कि उस बात को बाहर की तरफ धकेलता है। अब आप उस स्थिति में हैं, आपका विश्वास कहता है कि वह एक सा है, आमीन, ये मेरी गवाही है कि वह एक सा है, इस बात को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, मैं जानता हूं कि यह वास्तविक है। अब उन्होंने इस बात को ही बोला कि ये वो समझ होती है, ये वो चीज होती है, जब आप ये देख सकते हैं कि वचन में कोई विरोधाभास नहीं पाया जाता है और परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा आप उस बात को कह सकते हैं और देख सकते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर इस बात को प्रकट करता है। वो आगे कहते हैं, परमेश्वर की समझ आपके ऊपर इस बात को प्रकट करती है। तो अब आप स्थिति में पहुंच जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर के हर एक शब्द के ऊपर आमीन बोलते हैं, तब फिर आप इस बात को अपने विश्वास में जोड़िए। Then add that to your faith. अब भाई जोसेफ ब्रैनम अपने पत्र में कहते हैं, Here's Brother Joseph Branham. प्रिय सिद्ध दुल्हन, आइए हम आज रात्रि प्रभु के सामने आएं और नम्रता और श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए जीवते परमेश्वर को दंडवत करें और उससे प्रार्थना करें कि वो हमको एक जीवता सद्गुण, एक जीवती समझ, एक जीवता धैर्य और एक जीवती विभक्ति बना दे, ताकि इस बात से हमको जीवते परमेश्वर से आती हुई जीवती सामर्थ प्राप्त हो। भाई ब्रैनम ने कहा, वो क्या कर रहा है? उन्हीं कार्यों को जिसको कि मसीह ने किए, उसी तरीके से चल रहा है जैसे कि वो चला, उन्हीं बातों को कर रहा है जो कि उसने करी, क्योंकि ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये वास्तविकता है जो कि सिद्ध करती है। भाई जोसेफ आगे बोलते हैं, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये वास्तविकता है। हम एक सिद्ध मनुष्य का डील डॉल बन रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र व पुत्री, उसके निवास स्थान जहां पर वो रह सकता है और संसार को घोषित कर सकता है, ये मेरी सिद्ध पूर्ण रूप से मूल अवस्था में आई दुल्हन है, जो कि मेरे वचन के साथ बनी रही। उसके चुने हुए लोग उसके ऊपर आश्रित हैं और उस दिन को घटित होने के लिए हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं। वे उस कलीसिया को स्थिरता में आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, ताकि पुनरुत्थान हो सके। अंततः वो दिन आ पहुंचा है, ये अभी घटित हो रहा है और हम में से हर एक में प्रकट हो रहा है। पुनरुत्थान निकट है, बोले गए वचन के द्वारा उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह, आप आए। भाई जोसेफ ब्रैनम, जब तक कि हम अगली बार मिलें, परमेश्वर आपको आशीष दे। शालोम।